चांसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। अगर तुम कोल को देखो, कोल जलता है तो उसमें भी फ्लेम आता है। अगरबत्ती को ले लो, अगरबत्ती भी जलती है तो उसमें फ्लेम तो नहीं होता, बस वो रेड हो रहा होता है ना। तो कोयला हो या अगरबत्ती हो, ऐसी चीजें बर्न होती हैं बट देर इज नो फ्लेम। पर ऐसे हम ब्यूटेन और एल्केन की बात करें तो ये बर्न होते हैं तो ये फ्लेम दिखाते हैं। जब हम वैक्स को बर्न करते हैं कैंडल में तो भी फ्लेम आता है। तो कुछ सब्सटेंसेस कंबस्ट होते हैं विद फ्लेम और कुछ होते हैं विदाउट फ्लेम। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों? तो इसके अंदर लिखना, फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन द गैसियस सब्सटेंसेस बर्न। या ऐसे क्वेश्चन लिख लो पहले, व्हाई डू सम सब्सटेंसेस बर्न विदाउट फ्लेम। व्हाई डू सम सब्सटेंसेस बर्न विदाउट फ्लेम। Without a flame, कुछ substances बिना flame के क्यों burn होते हैं? ठीक है, तो इसका answer लिखो। हाँ, तो हम बोलेंगे flame is only produced when gaseous substances burn. Flame is only produced when gaseous substances burn. ठीक है, when wood or charcoal is burned, ignited. When wood or charcoal is ignited, the volatile substances vaporize. When wood or charcoal is burned, When wood or charcoal is burned, volatile substances, जो उड़ सकते हैं substances, volatile substances vaporize to give flame in the beginning. But later on, only the solid substances are remaining, so it burns without the flame. Later on, only volatile substances are remaining, so it burns without a flame. तो हम क्या कह रहे हैं? देखो, माचिस तो बहुत पतली सी होती है ना, पर माचिस को छोड़ो तो अगर हम बड़ी लकड़ी को जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं तो पहले वो फ्लेम पकड़ गया, फिर जैसे उसकी फ्लेम को हटा दोगे तुम तो वो जलता रहेगा बट पर फ्लेम नहीं देगा। तो कह रहे पहले फ्लेम क्यों आता है? पहले फ्लेम इसलिए आता है कि जो उसमें से उड़ने वाली गैसेज हैं पहले वो उड़ जाती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो गैसेज उड़ना शुरू होती है, जब गैसेज उड़ना शुरू हो रही होती है तभी गैसेज बर्न हो जाती हैं, तो फ्लेम मिलता है। तो स्टार्टिंग में फ्लेम मिलता है पर बाद में, वुड में भी ऐसी ही है, लकड़ को जला दो तो लकड़ पहले तो जलती है, जैसे अगर हम लोहड़ी पे जलाते हैं या होली पे जलाते हैं तो लोहड़ी या होली पे जब आग लगती है पहले वो सब जलने के बाद भी जब वो फ्लेम नहीं रहता तब भी लकड़ जल रही होती है ना, पर वो विदाउट फ्लेम जल रही होती है। कैसे जल रही होती है? विदाउट फ्लेम। पहले वो फ्लेम के साथ जलती है क्योंकि पहले कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो वेपराइज हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? वेपराइज। जो वेपराइज हो रहे हैं वो तो फ्लेम देंगे, पर जब वो वेपराइज वाला बंद हो जाएगा तब वो फ्लेम भी बंद हो जाएगा। क्लियर ये पॉइंट? तो ये पॉइंट भी याद रखना। वोलेटाइल माने विच कैन कन्वर्ट इन टू वेपर फेस, यानी कि जो हवा में उड़ सके उसको वोलेटाइल बोलते हैं। हाँ, स्पेस में आग नहीं, अगर कोई वैक्यूम होता है यूजुअली स्पेस में तो नहीं लग सकता, ग्रेविटी का उससे लेना देना नहीं है। हाँ, तो याद रखना